आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के सदर स्थित साई बाबा दरबार से आज साई भक्त परिवार द्वारा एक विशाल पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा के जगह जगह स्वागत किया गया, पूजा अर्चना की गई। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सदर से पालकी यात्रा निकालकर सदर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए साई मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना के बाद भंडारे का वितरण किया गया। आज एक ऐसा पर्व मना रहे हैं, विगत 17 वर्ष से ये हमारा 18वां वर्ष है। सदर साई दरबार भक्त परिवार प्रतिवर्ष इस त्यौहार को बढ़ चढ़ करके मनाता है और हमारे इस कार्यक्रम में जो पालकी शोभा यात्रा निकली, इसमें जबलपुर शहर के बहुत ही बड़े बड़े कलाकार आते हैं और पगड़ी में अपनी हाजिरी लगाते हैं, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। यह सब कार्य जो है हम अपने परम पूज्य सद्गुरु श्री अर्जुन बाबा जी के मार्गदर्शन में करते हैं। जैसा उनका मार्गदर्शन मिलता है वैसा कार्य हम करते हैं। धन्यवाद। साईं राम। नाम आपका? सुशील विरोधिया। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम श्री साई दरबार सदर का 18वीं वर्षगांठ मूर्ति स्थापना एवं मंदिर नव निर्माण के लिए मना रहे हैं। यह त्यौहार हम विगत 17 वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और सभी साईं भक्तों के सहयोग से यह बाबा की पालकी सदर में गलियों में नगर भ्रमण करते हुए और मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होती है और गलियों में भ्रमण करते हुए और पुनः मंदिर प्रांगण में समाप्त होती है। इस उपलक्ष्य में आज एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। सुबह बाबा का मंगल स्नान, दोपहर सत्यनारायण कथा, फिर प्रसाद वितरण, फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे से पालकी नगर भ्रमण प्रारंभ हुआ और यह अभी चल रहा है निरंतर। आपका नाम? जी, मैं श्री साईं भक्त समिति ट्रस्ट का सेवक और हम सभी सदस्य, मेरा नाम नरेंद्र है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।